एक और नए दिन की शुरुआत हो रही है। कोटेश्वर महादेव मंदिर से अभी पूजा पाठ दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले भागीरथी नदी में डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अभी अभी देखो पानी बढ़ा हुआ था, अभी पानी थोड़ा कम हो रखा है क्योंकि यहाँ पे सायरन बजते रहता है समय समय में जब पानी छोड़ते हैं ना। आने के लिए नदी में तो उतर गया हूँ, पर ठंडा इतना हो रहा है ना, बहुत ही ज्यादा। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। आइए आपसे कुछ बात करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, दोनों पेड़ एक साथ ही हैं, पीपल और बरगद का, ये आप देखिए। तो चलिए अब चलता हूँ मैं कमरे की ओर, क्योंकि आज मेरा ज़रूरी काम है कपड़े धोना। और अभी सुबह सुबह है, कपड़े अभी अगर धो दूंगा, अभी थोड़ी देर के बाद धूप निकल करके आ जाएगी और मेरे कपड़े सूख जाएंगे। इतने सारे कपड़े हैं, 2, 3, 4, एक जीन्स 5, और बैग भी गंदा हो रहा है, इसको भी धो लेता हूँ। 6 कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए भी डाल दिए यहाँ पर। अभी मैं नदी, ओए ये क्या चुभा, ओ माय गॉड, आहा आहा। और अरे ये क्या हुआ, नदी में तो पानी नहीं है, पानी कहाँ गया? अरे ये लोग नहा रहे हैं नदी में अभी, ये अभी सुबह देखो कितना पानी था। अभी डैम में फिर से पानी रोक दिया होगा, अभी जैसे ही छोड़ने वाले होंगे ना, यहाँ पे सायरन बजता है बहुत जोर की आवाज़ से। तो देखो सायरन यहाँ पे बज चुका है। कृपया ध्यान दें, टिहरी बांध से पानी छोड़ने के कारण नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। कृपया नदी की ओर जाते यह नहाते वक्त सचेत रहें। और देखते देखते ही देखो पानी कितना बढ़ चला है, अभी और बढ़ेगा, पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। और देखो सूर्य भगवान भी वहाँ जा चुके हैं। और तो चलो अब भूख भी लग रही है, दोपहर का लंच करते हैं और आज का खाना यहीं पर रहेगा मंदिर में ही। तो चलो पहले भोजन करते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सॉरी कल मैं पूरे दिन भर ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। एक और नए दिन की शुरुआत हो रही है कोटेश्वर महादेव मंदिर से। अब देखते हैं आज यहाँ से यात्रा कहाँ तक हो पाती है। कल तो दोपहर लंच करने के बाद फिर इवनिंग में, मतलब पूरा दिन जो था ना नदी किनारे और भक्ति में निकल गया था। अब देखते हैं आज यहाँ से निकलने से पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत मंदिर के बारे में यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। अभी सुबह के लगभग 8 बजने को जा रहे हैं। देखो अभी तक धूप नहीं आ रखी है, पहाड़ों में बादल लगे हुए हैं चारों तरफ। ये देखो कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी। और अभी जस्ट ही पूजा की हमने यहाँ पर। आइए जाते जाते थोड़ा बहुत ना कोटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में यहाँ के जो पुजारी जी हैं तो उनसे थोड़ा बहुत जानते हैं। इस समय ठीक कोटेश्वर मंदिर के प्रांगण में अभी समय खड़े हैं जी, और हमारे ठीक सामने है सिद्धपीठ श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि सदियों से मतलब पुराना मंदिर है, जिसमें कि विराजमान है बाबा भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति पार्वती जी जी, जो स्वयंभू के रूप में विराजमान हैं। और ऐसा कहा गया है और कुछ मेरा अनुभव भी है कि जो शिला है, अच्छा जो शिवलिंग है, ये हमारे भारत का सबसे विशाल शिवलिंग है। इतना बड़ा शिवलिंग नहीं है कहीं, अच्छा और शिव और शक्ति दोनों एक साथ में हैं। अच्छा। जबकि मेरे संज्ञान में भी नहीं है कि शिव और शक्ति दोनों कहीं दूसरे मंदिर में एक साथ विराजमान है। अच्छा। तो यहाँ पे बाबा भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति विराजमान है और जो शिला है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा। इसका विस्तार भी धीरे धीरे हो रहा है। तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पे तपस्या की है। यहाँ पे ऐसे करोड़ों ब्रह्म राक्षस थे उस युग में, जो अच्छा। अपने मार्ग अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए खुद यहाँ पे
उनकी तपस्या ली रही है। भगवान शंकर और माँ आदिशक्ति जो है जमीन से खुद प्रकट हुए हैं और तब से यहाँ पे विराजमान है और उन देवगणों का, उन राक्षसों का यहाँ पे उद्धार किया है, जो कि इसका नाम कोटेश्वर महादेव पड़ा। अच्छा जी। और श्रावण में यहाँ तो दिव्य और भव्य भीड़ लगी रहती है, भक्त लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामनाओं के लेके। और फिर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे शक्ति जी हैं, तो पुत्र कामने के लिए स्थान जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और जो गंगा जी आप देख रही हैं, तो गंगा जी हमेशा, थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे आप, तो गंगा जी हमेशा पूरब की तरफ, पूरब से निकलती है। अच्छा। तो पूरब से गंगा जी, देखो वो लोकेशन पूरब का ख़त्म हुआ और वहीं से गंगा जी ने टर्न कर लिया, गंगा जी हमारे उत्तर में चली गई है, तो ये उत्तर वाहिनी हो गई है। यहाँ पे गंगा जी उत्तर की तरफ बह रही हैं। तो कहा, स्कंद पुराण में कहा गया है और वेदों में कहा गया है कि जो गंगा उत्तर की तरफ बहती है वो स्थान मतलब दिव्य और भव्य और एक पावरफुल हो जाता है। अच्छा। तो गंगा जी उत्तर से निकली हैं और फिर भगवान शंकर की परिक्रमा करती हुई और फिर अपने पूरब की तरफ बह रही हैं जी। तो ये बहुत मतलब अदृश्य दृश्य है कि भगवान की परिक्रमा कर रही हैं गंगा जी, परिक्रमा कर रही हैं। जो गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं से निकली है वो, उसका नाम है भागीरथी, क्योंकि भागीरथ जो है इस गंगा को लाया था धरती पे, तो गंगा का नाम फिर भागीरथी पड़ा। और भागीरथी भगवान को चरणों को छूती हुई और भगवान की परिक्रमा कर रही है और फिर अपनी दिशा को निकलती हुई देवप्रयाग ऋषि के इसमें आदि आदि जो है मिल रही है और लोगों को उसी का जल जो है भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए मिलता है। इससे मतलब सौभाग्य क्या हो सकता है। स्नान घाट है स्नान करने के लिए, ये शिव कुंड कहा गया है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ यात्री हैं अभी। अच्छा। और नीचे जहाँ पे बड़ी सी शिला दिख रही है वो ब्रह्म कुंड है। अच्छा। यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे, यहाँ ब्रह्म आश्रम था पहले। अच्छा। लेकिन उसी युग में कैसा था ये तो हमने भी नहीं देखा है, लेकिन आज की डेट में ये ब्रह्म कुंड कहा गया है। पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, काश मेरे पास ड्रोन होता, मैं आपको चारों तरफ के सूट लेकर के दिखा देता। वाकई में कितनी प्यारी जगह है और जो माँ भागीरथी नदी है ना, वो वास्तव में पूरा चक्कर लगा रही है। वैसे तो मैंने अपने पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था में, फिर भी बता देता हूँ, अगर आप होटल या होम स्टे में रहना चाहते हैं तो ये सुविधा यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी रोड का काम चल ही रहा है, तो जगह जगह हो सकता है आने वाले समय में वो बन जाए, और बनेगा ही बनेगा। यदि आपको शाम को स्टे करना है तो यहाँ पर धर्मशाला हैं, आप यहाँ पर रुक सकते हैं मंदिर में इजीली। और अगर ज़्यादा लोग आते हो तो आपको खाना पीना बनाना पड़ेगा खुद अपने हाथों से। तो रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 500 मीटर होगा। रोड में पहुँचने के बाद सारा सामान भी मैंने बांध लिया गाड़ी में, साथ ही मेन रोड पर पहुँच गया हूँ, जहाँ से अब मैं सीधे जाऊँगा देवप्रयाग के लिए। और एक बात और गाइस, आज मुझे ना अपनी गाड़ी में फ्यूल डालना है, क्योंकि फ्यूल भी ख़त्म ही हो रहा है, लास्ट ही है। तो आई थिंक यहाँ से अगर देवप्रयाग तक भी कवर हो जाता है तो देवप्रयाग में भरवा ही लेंगे, और रास्ते में तो वैसे भी कहीं भी पेट्रोल पंप मिलने वाला है नहीं। इसके बाद फिर आज की राइड मैंने सोची है यहाँ से चंद्रबदनी तक की जाए, और चंद्रबदनी मुझे पता चला है कि देवप्रयाग से लगभग 25-30 किलोमीटर है एग्जैक्ट देवप्रयाग जाकर के पता चलेगा। और चंद्रबदनी भी एक शक्तिपीठ है, तो इस शक्तिपीठ में जाने के बाद आई थिंक मेरे हिसाब से फिर जो टिहरी में मैन था वो कवर हो जाएगा। फाइनली अभी मैं देवप्रयाग पहुंच चुका हूं, ऋषिकेश वाली रोड में सामने रहा पेट्रोल पंप, तो यहां से चलो ऑयल भरते हैं पहले, अगर यहां पर गूगल पे फोन पे चल गया तो। और उसके बाद फिर खाना भी खाना है, आज सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा है, खाना खाएंगे। गूगल पे फोन पे हो जाएगा। अच्छा, टेंकी फुल कर दीजिए। यहाँ पर ना 95 रुपये, ऊपर 120 रुपये लीटर दिया था तेल। टैंकी हो चुकी है फुल, और अब मुझे यहाँ से गो बैक चलना है सीधे देवप्रयाग के लिए, और देवप्रयाग के आगे से है चंद्रबदनी के लिए रास्ता। रहा देवप्रयाग संगम, जहाँ पर अलकनंदा और माँ भागीरथी का संगम है सामने, तो इसका मैंने एक पूरा व्लॉग बना रखा है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आसपास के सारे मंदिर भी उसमें कवर कर रखे हैं, और रहना खाना पीना सारा खर्चा सहित सब कुछ बता रखा है। यदि आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। श्रीनगर वाली रोड से ऊपर को रास्ता कट रहा है, ये है चंद्रबदनी वाला रास्ता, तो इसी रास्ते में चलना है। अभी मैं रुका हूँ लंगोर विलेज में, तो अभी देखो पूरी तरह से शाम हो गई है पहाड़ में, गाड़ी को यहाँ यानी बिरजी की दुकान के बाहर पार कर दिया है। तो ये है बिरजी, और कुछ सामान मैंने यहाँ भी उतार दिया बैग से, सामने रखा हुआ है। तो ठीक है, बिरजी भी सुबह मिलूंगा आपको, ठीक है। तो आज भी मैं रुकने वाला हूँ प्रधान जी के यहाँ, तो अभी प्रधान जी यहाँ नीचे भागवत लगा हुआ है तो वहाँ पर हैं, तो चलो उधर ही चल रहा हूँ मैं भी भागवत में। ये मेरा सौभाग्य है
कि मैं भागवत भी यहाँ पे अटेंड कर लूँगा, भागवत भी देख लूँगा। खैर फिर कल दिखाएंगे आपको यहाँ का गांव और भी बहुत कुछ, क्योंकि आपकी अक्सर रिक्वायरमेंट रहती है ना कि आप गांव की ओर जाओ, गांव के लोगों से मिलो, तो बातचीत करो, तो वही मैंने शुरू कर रखा है कि मैं गाँव की ओर ही जाया करूँगा। अब देखो यहाँ पे अभी तो पूरी तरह से शाम हो रही है, अब देखेंगे फिर आगे आगे होता क्या है। कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम अंजनि सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। पर भागवत लगा हुआ था, मैं वहीं पे पहुंच चुका हूं और यहां पे आरती में भी शामिल होने का सौभाग्य मिल गया है और यहां पे सभी गांव वाले भी मिल गए। तो ये प्रधान जी हैं और सबसे पहले तो प्रधान जी से ही मुलाकात हुई, तो फिर और सभी गांव वालों से होगी और भैया ने तो मुझे आते ही पहचान लिया, बोले कि आपको हमने यूट्यूब में देखा हुआ है। सौभाग्य है कि ये भैया के घर, ये घर पे ही हो रही है, ये घर पे ही हो रहा है भागवत। और अब ज्यादा आपको गांव वालों से और ज्यादा इधर भागवत आपको कल ही दिखाएंगे, कल वाले व्लॉग में।